अब तक की हर एक रिपोर्ट आपको ग्राउंड से बताएंगे जी न्यूज के रिपोर्टर, तो देखिए आप न्यूज जहां जी वहां। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब भी ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच अब रूस ने एक बड़ा ऐलान किया है और यूक्रेन से सटे बेलारूस में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की बात कही है, जिसके बाद से कहीं न कहीं अमेरिका भी अब चिंता जता रहा है। 90 के दशक के बाद ऐसा पहली बार होगा जब रूस अपने परमाणु हथियार कहीं और रखेगा। हालांकि इन परमाणु हथियारों की देखरेख रूस के ही सैनिक करेंगे। कुल मिलाकर टेंशन बढ़ते जा रही है और ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में जजों पर पाबंदी लगाने के लिए नया कानून, देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब तक इमरान खान की बड़ी बड़ी होने वाली रैलियों से परेशान थे, लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस कई मामलों में स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, उससे भी अब शहबाज शरीफ की सरकार परेशान है। मंगलवार के दिन शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया था कि अगर जजों की शक्तियों पर लगाम नहीं लगाया गया तो उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, और यही वजह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज लगातार कई मामलों में स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, उसके खिलाफ जो पाकिस्तान की सरकार है वो नया कानून लाना चाहती है। ये माना जा रहा है कि मंगलवार के दिन भी शहबाज शरीफ की सरकार ने कैबिनेट में जो उनकी मीटिंग हुई उसमें एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें जजों की तरफ से जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसको कम करने के लिए संसद के जरिए कानून लाया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर के बाद अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जंगलों से विशेष सागौन की लकड़ियां अयोध्या भेजी जा रही हैं। आज सागौन की लकड़ियों की पूजा की जाएगी, साथ ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की मौजूदगी में इन लकड़ियों की एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। आपको बता दें कि सागौन की लकड़ियों से मंदिर का मुख्य द्वार और अन्य द्वार बनाए जाएंगे। दरअसल मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान से सबसे बेहतरीन और मजबूत लकड़ियों की जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में संस्थान ने चंद्रपुर में पाई जाने वाली लकड़ी को भारत में सर्वश्रेष्ठ बताया और फिर सागौन की इन लकड़ियों को चुना गया, जिसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इन लकड़ियों की मांग की और राम मंदिर के द्वार को बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ियां देने को अपनी पूरी तैयारी दिखाई और अब लकड़ियां भेजी जा रही हैं। 2023 में भारत एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है और आज नई दिल्ली में एससीओ के एनएसए लेवल की बैठक जारी है। इस बैठक में एससीओ के सदस्य देश शामिल हुए हैं। पाकिस्तान और चीन वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़े हैं। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं और इस बैठक के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि आतंकवाद की निंदा की जानी चाहिए। आतंकवाद का चाहे जो रूप हो और इसकी गतिविधियों के पीछे चाहे जो शामिल हो उसकी निंदा की जानी चाहिए। इसके अलावा आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। साथ ही अजीत डोभाल ने इस बैठक में यह भी कहा कि एससीओ के सदस्य देशों को एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। फैजल की सदस्यता बरकरार तो क्या राहुल के लिए निकलेगा कोई रास्ता? संसद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके पहले ही लोकसभा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ और वीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष था। फैजल को हत्या के प्रयास मामले में 10 साल की सजा हुई थी। दरअसल इस केस में 3 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई थी। कवारत्ती सेशन कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में फैजल को दोषी करार दिया था। उसके बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब इस फैसले के बाद राहुल गांधी को लेकर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया गया था मोहम्मद फैजल पर। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पदना साले से उनका झगड़ा हो गया था। मोहम्मद फैजल का दावा था कि वो झगड़े को सुलझाने गए थे, लेकिन इस मामले में उनको फंसा दिया गया है।
भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक महीने में पहली बार 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 2151 कुल केस एक दिन में दर्ज हुए। भारत में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 11,903 को पार कर गई है और पिछले 24 घंटे में 4 मौतें भी हुई हैं, जिनमें से 3 अकेले महाराष्ट्र में हुई है। भारत में अगर सबसे ज्यादा मामलों की बात करें तो केरल, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और छठे नंबर पर दिल्ली का भी नंबर आता है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है और सभी राज्यों से कहा गया है कि जितने भी सैंपल कोरोना वायरस के RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं ताकि नए वायरस की उत्पत्ति का या उसके फैलने का पता चल सके। इसके अलावा 10 और 11 को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए भी सभी राज्यों से कह दिया गया है कि अपने अपने अस्पतालों में और सेंटर्स में ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स और हेल्थ केयर वर्कर समेत दवाओं की उपलब्धता को अभी से सुनिश्चित कर लें। Z News.